Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamu alaikum dear students, welcome to ilm ki duniya and campus tour. Dear students, tamam tulba aapka jo imtihanat hain wo qareeb aate ja rahe hain. Aapse hamari yahi request hai, hum aapse yahi umeed rakhte hain ki aap apni tamam dusri activities ko mu'attal kar denge aur apni padhai ko hi serious lenge, kyunki agar aap acha padhenge, apni padhai par focus rahenge to aap imtihanat ki taiyari achhi kar payenge. Imtihanat ki taiyari achhi karenge to aap acha survive kar payenge, aage kisi acche idare mein admission le payenge. Ye aapke liye bhi khush aaind baat hogi, aapke walidain ke liye bhi qabil e fakhr ki baat hogi. To aaj main aapko batata chalu imtihanat ke hawale se jo bhi peshraft hai. Aap tamam tulba ko humne chand din pehle bataya ke Lahore board ki janib se ek paper ke bare mein hidayat jari ki gayi, jisme unhone kaha ke 5 number ka 9vi jamaat ka english ka paper aur 5 number ka 10vi jamaat ka english ka paper jo hoga wo smart syllabus ke ilawa banega. Smart syllabus ke ilawa english ka jo 5 number ka paper banega wo use of verb ke bare mein hai, kyunki wo conceptual सवालात होंगे. तो इसके बाद स्टूडेंट्स की जानिब से एक सवाल सामने आ रहा था, बार बार पूछ रहे थे क्या इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री उर्दू और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं क्या उनमें भी स्मार्ट सिलेबस के अलावा पेपर बन सकता है. तो आपको ये कन्फ्यूजन जो है वो हम ख़त्म करते चले. बोर्ड की जानिब से जो हदायत जारी की गई हमने आप तक वही मालूम पहुँचाई. अभी तक जो लेटेस्ट जो अपडेट है उसके मुताबिक आपका जो बोर्ड के तमाम पेपर्स होंगे वह स्मार्ट सिलेबस जो आपको बताया गया है उसी में से ही बनेगा. आपके छुट्टियों की वजह से, कोरोना की वजह से तलीमी इदारे काफ़ी देर के लिए बंद रहे, इस वजह से आपका जो टाइम था वो ज़्यादा ज़ाया हुआ. तो टाइम कम होने के बायस आपका सिलेबस भी कम कर दिया गया ताकि आप अच्छी तैयारी करके इम्तहानात में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. तो आपको बताते चलें जो स्मार्ट सिलेबस आप तमाम तलबा को बताया गया है, आपका जो लाहौर बोर्ड का यानी जो भी तमाम बोर्ड्स हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के उन तमाम तलबा का स्मार्ट सिलेबस जो आपको बताया गया है, उन तमाम सब्जेक्ट्स का जो पेपर बनेगा वो तमाम आपका स्मार्ट सिलेबस में से ही बनेगा. उसके अलावा अगर आप किसी भी कॉन्टेंट की तैयारी करते हैं, स्मार्ट सिलेबस के अलावा भी तैयारी करते हैं, तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है. लेकिन आपका जो पेपर बनेगा वो स्मार्ट सिलेबस में से बनेगा, स्मार्ट सिलेबस में से ही तमाम सवाल आपको पेपर में पूछे जाएंगे. तो आपने जो भी तैयारी करनी है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करनी है, क्योंकि आप स्मार्ट सिलेबस की अगर अच्छी तैयारी करेंगे उसी में से ही सवाल आएंगे और आप उन्हीं सवाल के जवाब अच्छे अंदाज से दे पाते हैं, अच्छे अंदाज से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपको उम्मीद है कि यकीन जवाब और उसके बाद रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, जिसके बाद आप किसी अच्छे इदारे में एडमिशन ले सकेंगे. आपके इम्तहानात के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है वो हम आपको ज़रूर बताते रहते हैं. स्टूडेंट्स कामयाबी के लिए आपको एक हदायत जारी करते चले कि नमाज ज़रूर पढ़ा करें. नमाज पढ़ने से ही आपको मतलब अपनी फोकस करने की जो एक पावर होती है उसमें इजाफा होता है, आप अपनी तालीम पर फोकस कर पाएंगे और आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो जल्दी चीज़ें समझ आएंगी, आपको जल्दी लर्निंग हुआ करेगी. तो आप नमाज को ज़रूर पाबंदी के साथ जो भी फ़र्ज़ नमाजें हैं उनको ज़रूर अदा करें और आपके इम्तहान के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे. अभी तक आपके लिए यही है कि आपके तमाम सब जो भी मजामीन हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के तलबा के उनका जो बोर्ड के पेपर्स बनेंगे वो स्मार्ट सिलेबस में से ही बनेंगे. स्मार्ट सिलेबस के अलावा भी अगर कोई भी अनाउंसमेंट होगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप स्मार्ट सिलेबस की तैयारी अच्छे से करें क्योंकि उसी में से सवाल पूछे जाएंगे, वही आपने उनके जवाब देने हैं, उसके बाद उन्हीं से भी आपको रिजल्ट मिलेगा. इस हवाले से जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे. फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.